क्रिकेट में महानता एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। मशहूर कमेंटेटर रिची बेनो के कहे गए ये शब्द क्रिकेट की फितरत और खिलाड़ियों की मेहनत को शीशे की तरह साफ करते हैं, क्योंकि महान शब्द किसी खिलाड़ी को यूं ही नहीं मिल जाता। लेकिन दोस्तों, आज हम विश्व कप 2011 के एक ऐसे मैच का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें तीन खिलाड़ियों ने अपने महान होने का सबूत दिया और सिद्ध किया कि भले ही महान बनना मुश्किल है, लेकिन महानता की कोई सीमा नहीं है। मैच जिसकी हम बात कर रहे हैं वो विश्व कप 2011 का आखिरी लीग मैच था, जो कि आज से करीब 10 साल पहले 20 मार्च 2011 को चेन्नई में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रिवाइंड वर्ल्ड कप 2011 श्रृंखला के बचे एपिसोड मैच से एक दिन पहले ही अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ प्रिय दर्शकों की शिकायत है कि हम कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज से करीब 10 साल पहले चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पार्क में। ये मैच 2011 ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच था। इस मैच से पहले ही भारत और वेस्टइंडीज दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी थीं। इसका मतलब ये था कि मैच जरूरी नहीं था, जिसका सबूत देते हुए वेस्टइंडीज ने क्रिस गेल, शिव नारायण चंद्रपाल और केमर रोश को आराम दिया। लेकिन पिछले मैच में साउथ अफ्रीका से एक रोमांचक मुकाबला हार कर आई भारतीय टीम लय प्राप्त करना चाहती थी। भारतीय टीम ने पिछले मैच के आखिरी ओवर में फ्लॉप रहे आशीष नेहरा की जगह लोकल बॉय रवि चंद्रन अश्विन को टीम में शामिल किया और चोटिल सहवाग की जगह सुरेश रैना को भी विश्व कप का पहला मैच खेलने का मौका मिला। दोपहर 2:30 बजे शुरू हुए इस मुकाबले में धोनी ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सहवाग की जगह तेंदुलकर के साथ गौतम गंभीर ने भारतीय पारी की शुरुआत की। एक बड़ी शुरुआत की तलाश में उतरी भारतीय टीम का स्कोर अभी सिर्फ 8 रन ही हुआ था कि सचिन तेंदुलकर रवि रामपाल की गेंद पर कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। यही आया महानता का वो पहला क्षण जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। दरअसल हुआ ये था कि पारी के पहले ओवर की अंतिम गेंद पर रवि रामपाल की शरीर की तरफ से आ रही गेंद को सचिन थर्ड मैन की ओर खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए कीपर के दस्ताने में चली गई। जोरदार अपील हुई मगर अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन सचिन जानते थे कि गेंद बल्ले पर लगी है और वो खुद पवेलियन की ओर चल दिए। उस रोज हर भारतीय प्रशंसक को सचिन की ईमानदारी पर गर्व था, लेकिन उनके 100वें शतक से चूक जाने का मलाल भी था। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने गंभीर के साथ मिलकर 45 गेंदों में तेज 43 रनों की साझेदारी बनाई। 51 रन के स्कोर पर गंभीर रामपाल की गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी, पर क्रीज पर आए युवराज सिंह। युवराज ने कोहली के साथ मिलकर पहले पारी को संभाला और धीरे धीरे रन बनाए। जैसे ही मैच बीच के ओवरों में आया और पिच बल्लेबाजी करने के लिए आसान हुई, युवराज ने शॉट्स लगाने शुरू किए। कोहली के 59 रन पर आउट होने से पहले उन्होंने युवराज के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 143 गेंदों में 123 रन जोड़ दिए थे। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे धोनी, वो भी सिर्फ 22 रन ही बना पाए और 42वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हो गए। भारतीय टीम का स्कोर कार्ड 218 रन पर 4 विकेट दिखा रहा था। क्रीज पर रैना और युवराज मौजूद थे, साथ ही यूसुफ पठान को बल्लेबाजी करने आना था, यानी एक बड़ा स्कोर बनता दिख रहा था। लेकिन 2011 विश्व कप में पारी का खराब अंत करना जैसे भारतीय टीम का स्टाइल बन गया, इस मैच में भी वही हुआ। एक समय 232 रन पर 4 विकेट से भारतीय टीम 49.1 ओवर के बाद 268 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसमें वेस्टइंडीज की ओर से रवि रामपाल ने 5 विकेट प्राप्त किए। रैना के साथ यूसुफ पठान एक बार फिर फ्लॉप रहे, लेकिन इस पारी का मुख्य आकर्षण रहे युवराज सिंह। उन्होंने 123 गेंदों में 10 चौकों एवं 2 छक्कों के साथ 113 रन बनाए और एक एंड संभाल कर रखा। यही महानता का वो दूसरा क्षण है। चेन्नई में उस रोज गर्मी और उमस बहुत ज्यादा थी। युवराज कई बार थक कर घुटनों पर आ गए। पानी की कमी के कारण कई बार उनके लिए ड्रिंक्स लाई गई और कहा गया कि रिटायर हो जाओ, लेकिन युवराज रिटायर नहीं हुए और धुरी बनकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। इस पारी की महानता विश्व कप 2011 के बाद युवराज के फेफड़ों में ट्यूमर होने की खबर ने बढ़ा दी। युवराज के शानदार पारी के दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को 269 रनों का लक्ष्य दिया। 269 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज ने संभल कर खेलना शुरू किया। वेस्टइंडीज का पहला विकेट कर्क एडवर्ड्स के रूप में 34 के स्कोर पर गिरा। हालांकि एडवर्ड्स तो इससे पहले भी आउट हो
हो गए थे। दरअसल कोहली का एक थ्रो जब स्टंप्स पर लगा तो एडवर्ड्स क्रीज से बाहर थे, मगर अंपायर टफेल ने थर्ड अंपायर को इशारा नहीं किया। रिप्ले देखने पर पता चला कि एडवर्ड्स आउट थे। तीसरे नंबर पर डैरन ब्रेबो बल्लेबाजी करने आए। ब्रेबो और स्मिथ ने दूसरे विकेट के लिए 56 रन जोड़े। यही 91 के स्कोर पर ब्रेबो आउट हो गए। फिर बल्लेबाजी करने आए वेस्टइंडीज बल्लेबाजी की रीढ़ कहे जाने वाले राम नरेश सरवन। सरवन और डेविन स्मिथ ने तेजी से रन बनाने शुरू किए। करीब 30 ओवरों के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 154 रन पर 2 विकेट था। अब बची 120 गेंदों में सिर्फ 115 रन चाहिए थे, जो कि शेष 8 विकेट और वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को देखते हुए आसान लग रहे थे। लेकिन यहीं आया महानता का तीसरा क्षण। 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर जहीर खान की नकल गेंद को डेवॉन स्मिथ समझ ही नहीं पाए और शानदार 81 रन बनाकर बोल्ड हो गए। फिर तो मानो जहीर की ये गेंद ने सभी गेंदबाजों में ऊर्जा का संचार कर दिया। देखते ही देखते पोलार्ड, सेमी, रसेल सब सिंगल डिजिट में आउट हो गए। एक समय 269 रन आसानी से बनाने की संभावना रखने वाली वेस्टइंडीज 188 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से जहीर खान ने सबसे अधिक विकेट लिए, जबकि अश्विन और युवराज को 2-2 विकेट मिले। रैना और हरभजन ने भी एक एक विकेट अपने नाम दर्ज करवाया। इस तरह भारत महानता के पथ पर चलकर 80 रनों से मैच जीत गया। अपने 6 में से 4 जीत, 1 टाई और 1 हार के साथ भारत ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया का सामना करना था। गेंदबाजी लय में दिख रही थी, लेकिन बल्लेबाजी को लेकर अब भी सवाल थे। क्या ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी भारतीय बल्लेबाजी, या ऑस्ट्रेलियाई बादशाहत को समाप्त करेगी? इन सब सवालों का जवाब लेकर नारद टीवी जल्द आएगा रिवाइंड वर्ल्ड कप 2011 के अगले एपिसोड में। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्वार्टर फाइनल मैच का वेन्यू कमेंट करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।